घोड़ी का जो कल्चर है यदि आज से नहीं है, ये हमारे सदियों से चलता रहा है, पत्थर ही है। और ये कितने वेट का मुझे नहीं पता, उस पे तो लिखा हुआ है 100 kg। मैंने 90 kg वेट उठाया था और मैं गुजर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरा इतना मान सम्मान दिया। हमारे समाज की, गुजर समाज की हमारी माता बहनें हमारी वेशभूषा में घगरा कमीज और ओढ़ना ओढ़ करके, गुजर समाज के युवा बुजुर्ग पगड़ी और धोती पहन करके इस मेले का आनंद ले रहे हैं। और इस संस्कृति का सारा जो दिखावा है जो वो आपके सामने है इस गुर्जर मेले में, गुर्जर महोत्सव में। कुछ गुजर जो ट्रेडिशनल जो रागनी चलती है वो दिखाई जा रही है, यहाँ पे रागनी हो रही है, साथ में एक बैठक सी मुझे दिख रही है और रागनी का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर आके। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से रागनी का प्रोग्राम चल रहा है। मामी मौसी और 36 बिरादरियों की महिलाओं, उन्होंने मेरा साथ दिया और आपको गुजरों की घोड़ी कैसे नचाई जाती है मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। घोड़ी जो ट्रेन करते हैं वो हमारे साथ है और जिन्होंने इतना सुंदर गुजर का जो सॉन्ग निकाला है, समय सिंह भड़ाना जी मेरे साथ हैं और इनकी हाइट पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और गाना तो बहुत ही जबरदस्त है सबसे। हाँ अच्छा, और इनसे मैं दो शब्द पूछूंगी। सबसे पहले इतनी सुंदर जो प्रस्तुति आपने देखी, ये मैं पूछना चाहूंगी आप कब से ऐसा ये जो ट्रेनिंग है घोड़े को दे रहे हैं? हाँ जी, मैं तो अराउंड गाँव से कौन से है और नाम भी बता दें। पाली, पाली बड़ाना। कब से आप ये कर रहे हैं? एक महीना। एक महीने से? नहीं, आप पिछले एक महीने से ही कर रहे हैं या बहुत टाइम से? ये बचपन से ही इसके ट्रेनिंग है, बचपन से इसके ट्रेनिंग है, लेकिन अब जैसे पता लगा मेला है तो मेले की तैयारी के लिए अब एक महीने से इसको थोड़ा सा ये लगा रहे हैं। हालांकि ट्रेनिंग इसके बचपन से ही है। अब ये है, एक इसकी बच्ची और है छोटी सफेद वाली, उसको भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है जी, ये जो गुजर महोत्सव के अंदर आज आपने देखा होगा अपने कैमरे के माध्यम से, जो हमारा घोड़ी का जो कल्चर है यदि आज से नहीं है, ये हमारे सदियों से चलता रहा है। जब टीवी नहीं होते थे, जब और कोई नेटवर्किंग कार्यक्रम नहीं होते थे, हम अपना मनोरंजन अपने शादी ब्याह में, अपने कल्चर प्रोग्राम में घोड़ियाँ नचा करके अपने समाज का मतलब जो है प्रोग्राम या उसको जो है एक कला हम प्रदर्शित करते थे। का जो सबसे बड़ा प्रचलन क्या था, पहले इससे हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं मुसलमानों से भी अंग्रेजों से भी, घोड़ियों से ये हमारे सबसे बड़े साधक हैं और हमारे साथी हैं। हमने इनसे लड़ाइयाँ लड़ी है, फिर इनसे अपने मनोरंजन के लिए इन्हें नाच भी सिखाया है, इनको चाल भी सिखाई है, दौड़ भी सिखाया है, तो ये चीज़ तो चलती आ रही है, ये परंपरागत है पीढ़ी दर पीढ़ी, और घोड़ी रखना ये हमारे खून के अंदर है। और आपका भी बहुत फेमस सॉन्ग सुना है, सभी ने सुना है, तो थोड़ा सा जी थोड़ा सा दो लाइनें गा के सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, वो सॉन्ग बहुत ही अच्छा है हमारे गुजरों के लिए, के ना चल तू इतरा के नजर लगा देंगे ये छोरे गुजर के, ये छोरे गुजर के गदर मचा देंगे, गदर मचा देंगे, गदर मचा देंगे, अरे ये अधर उठा लेंगे ये छोरे गुजर के गदर मचा देंगे। क्या बात है, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे यंगस्टर जितने हैं इनके साथ साथ गा रहे हैं, ये इतना फेमस सॉन्ग हो चुका है।
सारे बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग है जी। और ये हमारे बलराज तंवर साहब हैं, उन्होंने बॉम्बे के अंदर मेरे से रिकॉर्ड कराया था। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे आपको अपना ये जो कल्चर है ये देख के कि ऐसा कुछ हो सकता है, मेला भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये मेला हमारा एक अविस्मरणीय और बहुत मोहक, उत्कृष्ट और आज अपनी चरम उस पर पहुंच चुका है कि आज के बाद देखना भीड़ कितनी है। पिछले वर्ष तो कम थे लेकिन अनेकता में एकता, अनेक भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावा है, लेकिन सभी गुर्जर यहां पर एक इकट्ठे हैं और उस गुर्जर कल्चर को, गुर्जर संस्कृति को दिखाने के लिए तमाम जवान, माताएं, बहनें, बच्चे सभी यहां पर पहुंचे हैं। उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी कमेटी का। भाई धर्मेंद्र जी रात दिन लगे रहे, बहुत मेहनत करी भाई धर्मेंद्र जी ने और उनकी पूरी टीम ने, तो उसके लिए बहुत बार बार धन्यवाद। और एक दिन देखना, अभी दो दिन बाद देखना कि इस मेले से हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी, बहुत बड़ा एक संदेश जाएगा कि गुर्जर क्या है। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। और मुझे लगता है ये जो गुर्जर महोत्सव है, ऐसे देख के अदर कम्युनिटी भी ऐसा कुछ सोचेंगे, मुझे ऐसा लगता है। देखो हर कम्युनिटी का अलग अलग सोचने का अपना अपना नजरिया है, लेकिन कोई क्या कर सकता, हम इससे कोई मना नहीं करेंगे। हमारे लेके हिंदुस्तान में सारी कम्युनिटी हमारी है, सारी हमारी, कुछ भी करो, हम तो कहते हैं हमारे तरह करके दिखाओ। सब ऐसा ही महोत्सव होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं जिन शख्स के पास खड़ी हूँ, तो पहले मैं आपको ये नीचे दिखा दूँ, ये कोई प्लास्टिक का नहीं है, कोई फॉर्म का नहीं है, ये पत्थर ही है। और ये कितने वेट का है मुझे नहीं पता, उस पे तो लिखा हुआ है 100 kg। तो इनसे, इनको अभी अभी अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इनसे पहले तो नाम जानना चाहूंगी सर। रूपचंद तोंगड़। कौन से गाँव से है? गोदान, भिवाड़ी। और आपको जो ये पुरस्कार मिला है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कितना वेट उठाया था आपने, उस कितने वेट पे? मैंने 90 kg वेट उठाया था और मैं गुर्जर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा इतना मान सम्मान दिया। बहुत बहुत दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आर्ट एंड कल्चर टीम। बहुत बढ़िया। और ये थोड़ा सा डेमो दे सकते हैं ताकि उनको पता लगे कि ऐसे ही तो नहीं ले आए। क्या बात है, अभी झगड़ा मत करो, सुनो जुड़े में। आपका सबसे पहले तो नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहित भाटी है। कहाँ से? ग्रेटर नोएडा से हूँ, विलेज लड़पुरा। अच्छा, तो आप कितने तक वेट उठा लेते हैं? मैं तो नॉर्मली अभी 6 महीने से लगा हूँ और 70-80 की मुकदड़ उठा। ये कितने केजी का है? ये 55 kg है। तो ये आप उठा लेते हैं? हाँ, आराम से, आराम से। तो इनका आराम से देखते हैं कि कितने आराम से उठा लेते हैं ये। उसके पास 70 kg। तो जैसा कि इन्होंने बोला, उतना उठाया 70 kg। और ये एक और आए हैं, एक और आए हैं। ये उठाने से पहले आपका नाम जानना चाहूंगी मैं। आजाद उठाना। आप कहाँ से हैं? पाली। पाली से। तो ये भी उठा के दिखाएंगे अब वेट। और मुझे डर लग रहा है कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। गरम हो रहा, थोड़ा गरम हो रहा। कोई नहीं, चौस पड़ा रहा है। कोशिश अच्छी है। बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा मत कर। बहुत जोश देखा मैंने, लेकिन ये अपना नाम और गांव बताने से पहले ये वेट उठा लेते हैं। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। थोड़ा मनीष लग नहीं रहा, ये गुजर की आवाज है। मनीष कौन से गांव से हो? कादरपुर। कितना वेट उठाने वाले हो? वेट तो जी 105 भी उठा रखा है। अच्छा, तो अभी कितना उठाओगे? 70 है। चलो अभी इनका देखते हैं, ये वेट उठा रहे हैं 70। चलो भाई, चलो 70 किलो।
क्या बात है, आप उठाएंगे ना? एक मिनट अभी नहीं, 80 एक और वेट उठाने वाले हैं, थोड़ा बढ़ा के वेट उठा रहे हैं। आपका नाम? अंकित। कहाँ से? गंगापुर ग्रेटर नोएडा। तो 80 किलो उठाने वाले हैं। हाँ जी। देखते हैं, मैं पहले दूर हो जाती हूँ। मेरे साथ धर्मेंद्र भगत जी जुड़ चुके हैं, तो जानते हैं इनसे। मेला स्टार्ट हो चुका है, जैसा आपने भी कहा था कि रौनक रहने वाली है, तो क्या एक्सपीरियंस आपको मिला स्टार्टिंग? बहुत अच्छा। आप देख रहे होंगे, आप अपने कैमरे के माध्यम से घूम रहे होंगे, दिखा रहे होंगे हमारे समाज की, गुर्जर समाज की, हमारी माता बहनें हमारी वेशभूषा में घगरा कमीज और ओढ़ना ओढ़ करके, गुर्जर समाज के युवा बुजुर्ग पगड़ी और धोती पहन करके इस मेले का आनंद ले रहे हैं। ये मेला हमारे पूरे देश के लिए एक मिसाल है, हम अनेकता में एकता को दिखा रहे हैं। हम सिख समाज के अंदर भी है, हम मुस्लिम समाज के अंदर भी है, हम हिंदू समाज के धर्म के अंदर भी है, और हम अन्य जैन धर्म के अंदर भी है। हम अनेक धर्मों में होते हुए भी यहाँ हम सूरजकुंड के अंदर, फरीदाबाद के अंदर एकता में, अनेकता में एकता की मिसाल इस गुर्जर महोत्सव से हम पूरे हिंदुस्तान को दिखा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हिंदू फोकस न्यूज का जमाना है, और हम इस फोकस न्यूज के माध्यम से पूरे विश्व को, जहाँ जहाँ भी हमारा गुर्जर समाज रहता है या अन्य हमारे समाज के और धर्मों के जो लोग रहते हैं, वो भी देखे गुर्जर, मुस्लिम गुर्जर, सिख गुर्जर, हिंदू गुर्जर किस तरह से एक साथ होकर के अपनी वेशभूषाओं में किस तरह से अपना खाना, कल्चर, हमारा स्पोर्ट्स, हमारी एजुकेशन, हमारा हिंदुस्तान के प्रति इतिहास, हमारे उन शहीदों की हमारी यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई है, हमारे संवाद के लोग बैठे हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नई युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं, या योगा की भी क्लासें लग रही है, या स्पोर्ट्स में आप देख रहे होंगे 100-100 किलो के मुगदल हैं जो बाट की तरह के होते हैं, उनको हमारे युवा एक हाथ से उठा रहे हैं, कहीं घोड़ियों का डांस हो रहा है तो कहीं मक्के की रोटी और साग और हमारा जो मक्खन होता है उसके साथ लोग खाना खा रहे हैं, और कहीं आप देख रहे होंगे हमारे समाज की महिलाएं, जो हमारे समाज की नई नई बेटियां हैं, वो ओढ़ना ओढ़ करके जो हमारा पहनावा था जो लुप्त होता जा रहा था, कहीं हम चुन्नी में, दुपट्टे में, हम अपनी माता बहनों को देखते थे जींस या हमारी बेटियां जींस या शर्ट में, टी शर्ट में घूम रही है, लेकिन इस मेले के अंदर आप देख रहे होंगे एक सभ्य हमारी जो ड्रेस है, जो हमारी पूर्वज पहनते थे, हमारी दादियां पहनती थी, वो ड्रेस हमारे समाज की युवा बेटी बड़े उत्साह के साथ पहन करके इस मेले का आनंद ले रही है। बहुत बढ़िया। और जैसे मैं रौनक देख रही हूँ, तो उससे मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, और ड्रेस भी जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस है, में भी हमारे युवा समाज के जो युवा है, अभी हमारे साथी जा रहे, देखो वो धोती है, कुर्ता है, जो हमारे बुजुर्ग पहनते थे, और बड़े उत्साह के साथ लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा है। सेकेंड मेला है, पिछले साल भी हमने किया था, हमारी कमेटी के माध्यम से दर्शा रहे हैं, जो हमारा पारंपरिक पहनावा है वो सारा समाज दिखा रहा है। और गुर्जर के बारे में बता दूं कि गुर्जर एक जाति नहीं, एक संस्कृति है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, और गुर्जर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ गुर्जरों की है, तो गुर्जर एक जाति नहीं है, एक संस्कृति है, और इस संस्कृति का सारा जो दिखावा है जो वो आपके सामने है इस गुर्जर मेले में, गुर्जर महोत्सव में इसके द्वारा दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली कि एक संस्कृति है ये, और यहाँ पर बहुत अच्छे से लोग जो बोले वेल मैनर्ड,